नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल जे एच महतो क्रिएशन में। आज हम आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हमारे शरीर से रिलेटेड है, जो कि है क्या तोता के पंख से बनता है दवा। तो यही आज टॉपिक रहेगा साथियों, और इसी के बीच मैं बात करूंगा जो कि मैंने अनुभव किया भी हुआ है। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं क्या सही में तोते के पंख से बनता है दवा। तो साथियों, बिल्कुल ये सही बात है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि तोते के पंख से इनका जो पंख होता है, इनका जो पंख होता है उसे दवा का रूप में उपयोग किया जाता है साथियों। अब ये कैसे दवा काम में आता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे तरफ या जिन भाइयों में एक फल होता है, तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सही बात है, तोते के पंख से दवा में काम आता है, क्योंकि मैंने इसका उपयोग किया है। लेकिन किस प्रकार के बीमारी में, ये भी तो बहुत ही बड़ी बात है जानना। तो चलिए साथियों, जानते हैं। साथियों, एक फल होता है जिसका नाम है भेलवा, जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, इस फल का नाम ही है भेलवा। और एक होता है काजू, जो कि ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ। अधिकतर भाई लोग इसे आसान तरीके से खा जाते हैं, जिसके पीछे तरफ जो देख रहे हैं, इसके खाने से अधिकतर जो भाइयों बहनों को जख्म हो जाता है, जो कि फुंसी फुंसी टाइप का पूरा बॉडी में फैल जाता है, तो वो लोग को काफ़ी सारे खुजली का एहसास हो जाता है। तो भाई लोग क्या करते हैं कि जो भेलवा का मिट्टी होता है, जो पेड़ के नीचे का जहाँ से पेड़ उगा होता है, उस मिट्टी को कोड़ के अपने शरीर में बहुत भाई लोग उसे लगा लेते हैं, जो कि वो भी सही है उपयोग के लिए, उससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन साथियों, उससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को आज मैं बताऊँगा, जो कि उतना मिट्टी लगाने के शरीर में आवश्यकता नहीं है। और बहुत भाई लोग ये भी होते हैं कि उस दिन से भेलवा और वो काजू का जो खाना ही बंद कर देते हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताता हूँ इस बीमारी से लड़ने के लिए या इस जख्म से। तो साथियों, यदि आपके पास तोते का पंख उपलब्ध है या नहीं है, तो किसी भाई से मांग कर क्या करना है कि सरसों का तेल लेके उसे गर्म करना है, और जिस जगह पे जख्म हुआ है उस जगह पर सरसों का तेल को गर्म करने के बाद तोते के पंख को डुबाना है और उस जगह पे लगाना है। मात्र 2 से 3 दिन में उस जगह पर लगाने से सारे परेशानी दूर हो जाएगी और तुरंत ठीक हो जाएगा। सबसे बढ़िया इलाज इसे माना जाता है साथियों। तो चलिए साथियों, वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।